नमस्कार, स्वागत है दिल्ली एनसीआर दिनभर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सस्ते दामों पर सपनों का घर खरीदने का मौका, 2 जनवरी को लॉन्च होगी डीडीए की आवासीय योजना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए साल पर लोगों को दी बधाई, कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। केंद्र से बातचीत से पहले किसान संगठनों में मंथन, 4 जनवरी को अगली बैठक। साउथ दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में खुला पहला कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीनेशन की तैयारियां हुई पूरी। और यमुना नदी में प्रदूषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी दिल्ली सरकार, हरियाणा को बनाएगी पार्टी। अब खबरें विस्तार से। साल 2021 की शुरुआत में ही दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। डीडी अपने हाउसिंग ड्रॉ स्कीम का उद्घाटन यानी कि शुरुआत 2 फरवरी शनिवार से कर रहा है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर करीब 1350 फ्लैट हैं, जिन फ्लैटों को बेहद कम दाम पर देने का वायदा किया जा रहा है। कहां पर आपके सपनों का घर आपको मिल सकता है और फ्लैट की एग्जैक्ट कीमत क्या रहने वाली है, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन ड्रॉ में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आशियाने की चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। नए साल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडी लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए डीडीए हाउसिंग स्कीम ला रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर ऑनलाइन डीडीए आवास योजना 2021 को 2 जनवरी को लॉन्च करेगा। इस योजना में 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने से लेकर ड्रॉ तक पूरी योजना ऑनलाइन होगी। केवल आवंटन के समय ही सफल आवेदक को एक बार आना होगा। डीडीए स्कीम के तहत करीब 1350 फ्लैट निकाले जाएंगे, जिन्हें आप कम दाम पर खरीद सकते हैं। ये फ्लैट्स द्वारका, जसोला, मंगलापुरी, वसंत कुंज और रोहिणी में दिए जाएंगे। द्वारका और वसंत कुंज में 230 हाई इनकम ग्रुप फ्लैट हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के 704 फ्लैट जसोला और द्वारका में हैं। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16, द्वारका सेक्टर 19, मंगोलपुरी, वसंत कुंज में फ्लैट तैयार होंगे। इनमें सबसे महंगा फ्लैट 2.1 करोड़ कीमत का होगा। स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन के लिए डीडीए ने एक आवास पोर्टल बनाया है। 2 जनवरी को इस पोर्टल पर आवासीय योजना की डिटेल अपलोड कर दी जाएगी। डीडीए अपनी वेबसाइट www.dda.org.in पर इसकी सभी जानकारी देगा। यहीं से आवेदन भी किया जा सकेगा। डीडीए की वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। इसके बाद फ्लैट्स के विकल्प और साइज चुनेंगे। आखिर में पंजीकरण फीस को जमा करना होगा। ड्रॉ के बाद भी अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन के जरिए ही होगी। अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र आवेदक को सरकारी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी मिलेगी। बता दें कि हाल ही में डीडीए बोर्ड की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आवास योजना 2021 को स्वीकृति दी थी। प्राधिकरण ने 2020 में आवासीय योजना ना ला पाने की वजह कोरोना महामारी बताई है, वरना ये योजना पिछले साल ही लॉन्च कर दी जाती। गौरतलब है कि डीडीए इस योजना की तैयारी काफी समय से कर रहा था। अब जाकर नए साल में ये योजना लाई जा रही है। डीडीए मान रहा है कि कोरोना काल के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस योजना में आवेदन करेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2021 की शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली वासियों के बेहतर भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 को याद करते हुए कहा कि साल 2020 पूरी दुनिया के लिए खराब रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दिल्ली के लोगों की जान बचाई है। गुजरा साल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। पूरी दुनिया ने मानव जाति की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना किया। मैं सलाम करता हूं अपने कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को,
मेडिकल स्टाफ को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, बेहद कठिन परिस्थितियों में आप सभी जनता की सेवा में डटे रहे। महामारी के इस मुश्किल दौर में दिल्ली के मजबूत मेडिकल सिस्टम ने पूरी दुनिया के सामने कई उदाहरण पेश किए। दिल्ली ने दिखा दिया कि हम दुनिया के विकसित देशों से कम नहीं हैं। इस दौरान दिल्ली ने बहुत से ऐसे काम किए जिनको बाद में दूसरे कई देशों और कई सरकारों ने फॉलो किया। लेकिन अभी सिर्फ ये साल गया है, कोरोना नहीं गया। हमें सावधानी बरतनी है, कोरोना से बचने के नियमों का पालन करना है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत में भी वैक्सीन आएगी, सब कुछ फिर से सामान्य होगा। लेकिन तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ये नया साल नई उम्मीदों को लेके आया है। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 37 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने नया साल बॉर्डर्स पर ही मनाया। साथ ही किसानों ने 4 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बातचीत को लेकर सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि पिछले करीब 37 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों के किसान अपनी 4 मुख्य मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि इनकी 4 में से 2 मांगें केंद्र सरकार ने मान ली है और उम्मीद यही है कि आने वाली 4 जनवरी को जब किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी तो इन 2 मांगों का भी कोई ना कोई हल सरकार जरूर निकाल लेगी। पेश है रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 37वां दिन है। किसान और सरकारों के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति जरूर बन गई। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं हुए हैं। उनका धरना जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वो अब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के अगले एक्शन पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक सिंह बॉर्डर पर बुलाई है। उन्होंने कहा है कि नए किसान कानूनों को वापस लेने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी से जुड़ी मांगों को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पराली और बिजली कानून से जुड़ी हमारी 2 मांगे मान ली। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बची हुई 2 मांगों से पीछे हट जाएंगे। इससे पहले किसानों ने सिंह बॉर्डर पर कैंडल जलाकर नई उम्मीदों वाले नए साल का स्वागत किया। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सांबरा ने बताया है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को भी इसका कोई हल नहीं निकला तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। उधर दिल्ली का चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आंदोलन को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक के लिए बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा था कि केंद्र ने किसानों से कानून वापस लेने की मांग का विकल्प मांगा था, जो कि संभव नहीं है। नए कानूनों से एग्रीकल्चर मार्केट, किसान की जमीन और फूड चेन पर कॉर्पोरेट का कंट्रोल हो जाएगा। किसानों के 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। दूसरा, सरकार ये लीगल गारंटी दे कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP जारी रखेगी। तीसरा, बिजली बिल वापस लिया जाएगा। चौथा, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापस लिया जाए। गुरुवार को 5 घंटे की बातचीत के दौरान बिजली बिल और पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बात बन गई। इसके बाद किसानों ने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया था। कृषि कानून और MSP पर अभी भी मतभेद बरकरार है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार और किसानों के बीच 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक में कोई ठोस हल जरूर निकल जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली में भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया बेहद तेज गति से चल रही है और इसी कड़ी में दिल्ली का पहला कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार भी हो गया है। ये सेंटर दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में बनाया गया है। कैसा है ये सेंटर, कैसे यहाँ पर कोरोना की दवाई लोगों को लगाई जाएगी, क्या पूरी प्रक्रिया होगी और ये सेंटर वाकई दिखने में कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में पहला वैक्सीनेशन सेंटर श्रीनिवासपुरी इलाके में तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मैटरनिटी होम में वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है। पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा वैक्सीनेशन साइट बनाई जा रही है। चलिए बताते हैं कि यहाँ वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होगी। वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। जिनको टीका लगाया जाना निश्चित किया गया है या जिनका सरकार द्वारा जारी लिस्ट में नाम है, उनको अलग अलग समय पर वैक्सीनेशन साइट पर बुलाया जाएगा ताकि भीड़ ना हो। टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन साइट पर अपना आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन साइट में 3 कमरे बनाए गए हैं, वेटिंग रूम या एरिया, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम। बता दें कि वेटिंग एरिया में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वैक्सीनेशन साइट पर रजिस्ट्रेशन और आईडी के मिलान के लिए अलग अलग डेस्क के साथ ऑफिसर तैनात किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ठीक पीछे वैक्सीनेशन रूम तैयार किया गया है, जहां वैक्सीनेटर ऑफिसर वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था भी इस रूम में की गई है। वैक्सीन लगने के बाद साइट में बने ऑब्जर्वेशन रूम में जाना होगा। ऑब्जर्वेशन रूम यानी वो जगह जहां पर टीका लगवाने के बाद लाभार्थी को 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। इस कमरे में पीने के पानी और टॉयलेट की सुविधा रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट का इंतजार इसलिए करना जरूरी है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। आपको बता दें कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा पहले फेज में वैक्सीन पाने वाले सीनियर सिटीजन को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तैयार की गई वोटर लिस्ट के आधार पर पहचान की जाएगी। कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारी रियल टाइम में अपडेट की जाएगी। वैक्सीन लगवाने से पहले इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन को पुख्ता किया जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। यमुना नदी में बार बार अमोनिया का लेवल बढ़ने और दिल्ली में गहराते जल संकट को कम करने के लिए अब दिल्ली सरकार कानून की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की माने तो दिल्ली सरकार अब हरियाणा सरकार के खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए सख्त एक्शन की तैयारी में है। दिल्ली सरकार कैसे हरियाणा सरकार को घेरने का प्लान बना रही है, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में बार बार अमोनिया बढ़ने से संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और इस जल संकट को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड कानूनी मदद लेने का विचार कर रहा है। इस बारे में दिल्ली सरकार लगातार विचार कर रही है और अब बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि बोर्ड अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है, साथ ही हरियाणा से भारी मात्रा में अमोनिया वाला पानी छोड़ने के खिलाफ अदालत की मदद भी ली जाएगी। इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है। राघव चड्ढा ने बताया कि बोर्ड हरियाणा सरकार पर निर्भर नहीं रह सकता, वे खुद एक्शन लेकर दिल्ली के लोगों के लिए साफ पानी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में हुई बैठक में यमुना में हरियाणा से भारी मात्रा में छोड़े गए अमोनिया को कम करने के लिए ओजोनेशन प्लांट्स लगाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इससे सप्लाई बाधित भी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अब जल बोर्ड को अपनी ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने पर काम करना है, जिससे ज्यादा अमोनिया आने पर भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। सर्दियों में आमतौर पर अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है और अब बोर्ड का लक्ष्य है कि अमोनिया ट्रीटमेंट की क्षमता को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि ये परेशानी ना झेलनी पड़े।
अब दिल्ली जल बोर्ड अमोनिया वाला पानी छोड़ने के खिलाफ कोर्ट से न्याय की गुहार लगाने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।